दोस्तों अभी आप सभी देख सकते हो मैं हूँ तिरुपति बालाजी धाम में, और मेरे पीछे देख सकते हो तिरुपति बालाजी का मंदिर। इसी मंदिर में विराजमान है अपने तिरुपति बालाजी, और आप सभी यहाँ पे तिरुपति बालाजी के दर्शन करने आना चाहते होंगे। आप जानना चाहते होंगे कि तिरुपति बालाजी कैसे पहुँचे, यहाँ पे कहाँ रुके, क्या खाएं, और सबसे बड़ी बात है इस मंदिर में दर्शन कैसे करें। आप सभी ने सुना होगा कि तिरुपति बालाजी जो भी आता है करीबन 10 से 15 घंटे लग जाते हैं दर्शन करने के लिए। तो मैं बताऊंगा कि आप सभी को 10 से 15 घंटे ना लग के 2 से 4 घंटे में आप सभी दर्शन कैसे कर सकते हैं, मैं आप सभी को बताऊंगा। लेकिन ये जो वीडियो है सिर्फ वही लोग देखेंगे जो तिरुपति बालाजी के असली भक्त होंगे और यहाँ पे दर्शन करने आना चाहते होंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई सा भी लोग इस वीडियो को बीच में छोड़े। क्योंकि अगर आप इस वीडियो को बीच में छोड़ेंगे तो आप कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं पा पाएंगे कि तिरुपति बालाजी कैसे हैं, और यहाँ से दर्शन करने में काफ़ी आपको तकलीफ हो सकती है। तो भाई पूरा वीडियो ज़रूर देखना जो भी भक्त लोग हैं। तो चलिए मेरे साथ आप पूरा इसे धार्मिक दर्शन का आनंद लेने के लिए बोलिए गोविंदा, बोलो ओ गोविंदा। तो दोस्तों देख सकते हो मैं आ चुका हूँ तिरुपति रेलवे स्टेशन पे, और आप सभी को भी अगर तिरुपति पहुँचना है, तिरुपति बालाजी जी के दर्शन करने हैं, तो आप सभी को सबसे पहले आना पड़ेगा तिरुपति या रेणुगुंटा रेलवे स्टेशन, जो कि तिरुपति के अंदर में ही आता है। अगर आपको इन दोनों जगहों का भी अगर डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती आपके शहर से, तो आप चेन्नई आ सकते हो। चेन्नई में फ्लाइट और ट्रेन की दोनों सुविधा है, वहाँ से मात्र ये 150 किलोमीटर पड़ता है, जो कि आप तिरुपति आ सकते हैं। और तिरुपति जैसे ही आप ट्रेन से उतरेंगे इस रेलवे स्टेशन के बाहर ही, तो आपको बगल में ही बस स्टॉप मिलेगा, और बगल में ही यात्रा पर्ची कटाने के लिए आपको ये भवन मिलेगा। तो चलिए इस भवन में चलते हैं, और यहाँ से हम लोग फ्री दर्शन यात्रा पर्ची लेते हैं। और ये ले लिया भाई साहब अपना लाइन में लग के फ्री दर्शन यात्रा। अगर आप सभी को फ्री दर्शन यात्रा नहीं करना है, तो आप TTD के ऑनलाइन वेबसाइट से 300 रुपये का टिकट भी ले सकते हो, जो कि आपको 1 महीना पहले कराना होता है। तो चलिए हम सभी ने देख सकते हो ये टिकट ले लिया है, और हमें लेना है अबे बस का टिकट। बस का टिकट देख लीजिए, AC बस लीजिएगा तो आपको मिलेगा 110 रुपये का, और नॉन AC बस लीजिएगा तो आपको 90 रुपये का। बच्चे का ये रेट है, बुज़ुर्ग का ये रेट है। तो भाई साहब ये ले लिया अपना बस टिकट, और चलते हैं बस टिकट में। हमने नॉन AC जानबूझ के लिया है, क्योंकि भाई साहब इस पहाड़ी पर हम जाने वाले हैं, पहाड़ी पर खूबसूरत नज़ारे देखने के लिए आपको नॉन AC का बस जो है ना भाई साहब एक अलग व्यू दिखाएगा। इस AC में आप पूरा पैक हो जाएंगे। चलिए बस में बैठते हैं सबसे आगे। और दोस्तों देख सकते हो आ चुके हैं बस में। अभी ये बस पूरी की पूरी खाली है, क्योंकि भाई साहब अगर आपको आगे का सीट पकड़ना है तो सबसे पहले खाली बस में आना पड़ेगा, जो कि एक दो बस छोड़ दीजिएगा, और यहाँ से नज़ारे मस्त मिलेंगे। देखो कहाँ बैठा हूँ, एकदम बिल्कुल फ्रंट साइड पे, मतलब मस्त नज़ारे दिखने वाले हैं। चलिए बस निकलने दीजिए, और खूबसूरत नज़ारे का आप इंजॉय लीजिए। दोस्तों अपना बस रुका था अपना पहला चेकिंग पोस्ट पे, जो कि ये देख सकते हो यहाँ पर अपना बैग का चेकिंग होता है। आप कोई सा भी ऐसा सामान नहीं ले जा सकते, जैसे बंदूक हो गया, जैसे कोई सा भी चीज़ जो मतलब रेलवे में अलाउ नहीं होता, यहाँ भी वही है। नशे की कोई भी चीज़ गलती से मत लाना, पानी का बोतल जो प्लास्टिक की होती है वो भी लाना, मतलब मना ही है। बाकी यही है, चेकिंग होने के बाद सारा मतलब एक भी सामान भाई साहब बस के अंदर नहीं रख सकते। और बस आपकी फिर से दोबारा आप देखिए हमारी बस उधर से आ रही है, और फिर से अपने बस में सवार होके, और पता है क्या देखने वाले हैं, उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ना है, और आप खूबसूरत नज़ारों का एंजॉय लीजिए। दोस्तों हमारी बस ने देख सकते हो यहाँ पे उतार चुकी है, और भाई नॉन AC बस का मजा समझे ना क्या हुआ भाई साहब, खूबसूरती और AC वाला हवा आपको कहीं और नहीं मिलेगा। वैसे देखिए हमें यहाँ से जाना है सबसे पहले CPRO ऑफिस, क्योंकि वहाँ से आप सभी के लिए रूम बुकिंग होता है। देखिए लिखा वे टू CPRO ऑफिस, तो इस वाले रास्ते में पकड़ के चले जाना है CPRO ऑफिस। देख सकते हो आ चुके हम लोग CRO ऑफिस के सामने। इसी के अंदर में आप सभी का जो आपका रूम बुकिंग होता है, यहाँ पे बहुत सारे जैसे ऐसे हैं रूम जहाँ पे रहने के लिए भवन बनाए गए हैं, वहाँ के लिए रूम बुकिंग होते हैं। उस रूम बुकिंग करने के लिए आपको एक बहुत ही
अच्छे खासा लंबे लाइन में लगना पड़ेगा, जो कि देखो ये सब लाइन लगा है। आपको वहाँ लग के इस रूम को बुकिंग करना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत यह है ना कि अगर आप सिंगल आते हो, अगर अकेला लड़का आते हो तो भाई आपको यहाँ पे रूम नहीं मिलता है। अगर आप दो तीन दोस्त आते हो तो आपको यहाँ पे रूम लेने का संभावना है। वैसे भी अगर आप सिंगल आते हो तो रूम लेने का आपका कोई फ़ायदा नहीं होता है। आप यहाँ पे डायरेक्ट लॉकर ले सकते हो, जो कि पूरे के पूरे फ्री है बहुत सारे लोगों के लिए। अगर फैमिली हो, अगर दोस्त हो, अगर आपको रूम नहीं मिला तो यहाँ पे लॉकर ले सकते हो, जो कि मैं लॉकर लेने वाला हूँ। वैसे रूम के भी चार्जेस बहुत मामूली होते हैं, 50 रुपये शुरू होता है और 1000 तक जाता है। तो आप रूम के लिए भी देख सकते हैं, या ऑनलाइन बुकिंग करके आते हो रूम तो आपको फायदा है। लेकिन हम लोग चलते हैं फ्री लॉकर के लिए। फ्री लॉकर के लिए आप सभी को लोकेशन समझाता हूँ। देखिए, जैसे आप सीआरओ ऑफिस आइएगा, आपने देखा कि यहाँ पे लाइन लग रहा है रूम के लिए। और यहीं पे देखिए, बगल से खूबसूरत सा नज़ारा दिखेगा आपको, तिरुपति बालाजी की मूर्ति। और ये बस इसी के एकदम सीधे, किसी से पूछना नहीं है, बस यही वाला रोड पकड़ के जो सीपीआरओ ऑफिस वाला है वहाँ चले जाएगा। फ्री लॉकर का बना हुआ है। और वहाँ आप नहीं जाना चाहते इस वाले में, क्योंकि इधर में ज़्यादा भीड़ होता है, तो इसके बगल का ये रोड पकड़ लीजिएगा और यहाँ चले जाइएगा डायरेक्ट बस स्टैंड। किसी से पूछ लीजिएगा, वहाँ पे फ्री लॉकर है। तो आज हम लोग रुकेंगे बस स्टैंड वाला, चलिए चलते हैं बस स्टैंड के पास। दोस्तों देख सकते हो, आ चुके हैं जहाँ पे फ्री लॉकर मिलता है। ये देखिए, हम लोग आज यहीं पे रुकने वाले हैं। यहाँ पे फ्री में लॉकर जिसमें सामान रख सकते हो, और रुकने का भी पूरा व्यवस्था है। और ये बस स्टैंड बताया था, ये देखिए, ये बगल में है सारी बस स्टैंड, जो कि तिरुपति से तिरुमला आती जाती हैं। और यहाँ से रेणुगुंटा की बस मिलेगी और यहाँ से आती जाती है। बाकी चलते हैं अंदर के अंदर अपना, तो जो लॉकर है, लॉकर लेने के लिए उसके लिए केवल आपको केवल आधार कार्ड चाहिए और कुछ नहीं। तो देख सकते हो, आ चुके हैं इस लॉकर रूम में। और ऐसा है कुछ लॉकर रूम, देखिए हर तरफ पे आपको लॉकर ही लॉकर दिखेगा। और अपना लॉकर मिला है नंबर 80, मतलब लाइन से 3 लॉकर 4 लॉकर होते हैं और इसमें करीबन 1000 लॉकर है। भाई साहब, आप अगर कितने भी लोग आते हो तो यहाँ पे रहने का जगह मिल जाएगा आप सभी को। वैसे केवल आधार कार्ड लगता है, आधार कार्ड जमा कराइए और यहाँ पर रहिए। चलिए अब चलते हैं दर्शन करने की ओर, क्योंकि जो अपना यात्रा पर्ची है उसका दर्शन करने का टाइमिंग हो चुका है। तो जो अपना यात्रा का शुरुआत है वो होगा सीआरओ ऑफिस के पास से, सीआरओ ऑफिस चौक के पास। ये देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत जगह है। आप यहाँ पे पहले आइएगा और आपके पास ये जो पर्ची है ना, नीचे से जो आपने पर्ची कटवाया था फ्री दर्शन पास, इसे लेना बिल्कुल ना भूले। और इसे लेके ATGH एक रिपोर्टिंग जगह है, इस पर जहाँ आपको लिखा हुआ है आपको यहाँ से फ्री बस मिलेगा, उसको पकड़ के चले जाना है। और जिसने ऑनलाइन यानी 300 रुपये का स्पेशल दर्शन पास कटाया था उसको भी यहीं पे आना है और यहाँ से उसी बस में बैठ के चले जाना है। आपको दोनों बस एक ही जगह पे जाएगी और आपको दोनों अलग अलग जगह पर उतार देगी, जहाँ से आप लोग दर्शन के लिए लाइन में लग जाएंगे। बाकी अब उन लोगों के लिए बात कर पाएँ जो लोग ये ना ही ऑनलाइन दर्शन का लेके आए हैं और ना ही ये टिकट कटाए हैं नीचे से, उन लोगों के लिए लाइन लगता है। देखिए वो बड़ा सा बॉक्स जैसा दिख रहा टनल, उसी टनल के अंदर जाना है और यहाँ पहुँच जाएंगे। देख सकते हैं ES10 गेट है, आप यहाँ पहुँच जाएंगे और यहीं से आपको बगल में मिलेगी एक गली। ये देखिए, ये गली जा रही है, इसी गली में उन लोगों को घुसना है जिनके पास भाई ना 300 रुपये वाला स्पेशल दर्शन पर्ची है और ना ही नीचे रेलवे स्टेशन से उन्होंने दर्शन पर्ची लिया था। उसको इन लाइन के साथ चले जाना है और इस लाइन में आगे जाइएगा तो करीबन जाने के बाद आप सभी को इसी लाइन के अंदर में वो टोकन दिया जाएगा जो हमें मिला है, उससे आप सभी का भी दर्शन हो जाएगा। मतलब आप यहाँ ऊपर आने के बाद भी दर्शन से वंचित नहीं रहेंगे। और जो आप ये ES10 गेट देख रहे हैं, आप इसके अंदर भी जा सकते हैं। इसके अंदर जाने से ये फ़ायदा होगा कि अगर आपको बाहर से दर्शन करना होगा, आपको लाइन में लग के नहीं करना होता, बाहर से आप मंदिर परिसर में जाके बाहर से दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए आप सभी चलिए दर्शन में लाइन लगी और दर्शन करके पहुंचिए मंदिर के बाहर। दोस्तों आप भी इसी तरीके के लाइन में लगे होंगे, जो कि हमारे आगे पीछे सभी लाइन देख रहे हैं। लेकिन लाइन में आने से पहले एक चीज़ का भाई ध्यान रखना, आपके हाथ में, जेब में, कहीं भी कोई सा भी ऐसे नशीली पदार्थ, मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रिक, मतलब आप कोई भी सामान लेके मत आना। बस एक मेरे तरह लुंगी और ये वाइट शर्ट में निकल जाना, ये कंपलसरी नहीं। अगर आपका मन करे तो बस आप अपना शरीर लेके आइए और कुछ चढ़ावा चढ़ाने के लिए दान दक्षिणा। बाकी ये जो लाइन देख रहे हैं ना, अब आप लाइन बताता हूँ, आपने 3 टिकट देखे, मेरे हिसाब से मैंने आप 3 टिकट के बारे में बताया। तो जो पहला टिकट था वो था भाई साहब ऑनलाइन जो कराया था जिसने 300 रुपये का VIP दर्शन का, तो उसका अगर दर्शन की बात करें तो करीबन 3 से 4 घंटे के अंदर हो जाता है, कभी कभी 2 घंटे में भी हो जाता है। और बात करें जो नीचे से हमने, जैसे मेरे तरीके से जो हमने टिकट लिया था रेलवे स्टेशन के पास से,
उनका करीबन 6 घंटे से 4 घंटे के बीच में हो जाता है। और जो भाई साहब मैं तीसरा लाइन दिखाया आपको उस गली से जाने के लिए, जो मतलब नीचे से टिकट करा के नहीं आए थे, उनका भाई करीबन कम से कम कभी भी आइएगा तो 6 से 12 घंटे से कम नहीं लगते। और ये टाइम मैं फिक्स नहीं बता रहा हूँ, कभी भी मौसम के हिसाब से अगर पर्व त्यौहार या कोई पूजा है तो भाई साहब ये लाइन 12 से 24 घंटे का भी हो सकता है। और दोस्तों आप सभी का अब दर्शन हो चुका होगा, किसी का 10 घंटे, किसी का 2 घंटे और किसी का 15 घंटे भी लगा होगा। लेकिन आप सभी को एक बात कहना चाहूँगा कि आप सभी ने दर्शन तो किया, लेकिन अब मैं एक स्पेशल राज बताता हूँ दर्शन करने का। आप ये देखिए, वो जो आप लाइन देख रहे हैं ना, और ये सिर्फ आप मंदिर देख रहे हैं, इसे जो मंदिर के गेट से आज जब एंटर करेंगे तो वो जो राइट साइड का आपका दिख रहा है ना, उसी राइट साइड में हमेशा दबके रहना है, क्योंकि अगर आप उस राइट साइड में दबके रहेंगे तो उसी साइड में तिरुपति बालाजी का जो दर्शन है बहुत ही आपको एकदम सामने सामने तिरुपति बालाजी नज़र आएंगे, उनका दर्शन हो जाएगा। और लेफ्ट साइड में रहेंगे तो वो लाइन एकदम डायरेक्ट ऐसे करके निकल जाती है, आपको उतने बढ़िया से दर्शन नहीं हो पाएंगे। बाकी उस लाइन में जाते ही आप सभी का मतलब करीबन एक तो ज़्यादा टाइमिंग से दर्शन होंगे जो भी होना है, और एकदम खुले सामने सामने नज़र आएंगे। और उनके ही सीने में माता लक्ष्मी जी का भी वास है, जो आप दर्शन करेंगे तिरुपति बालाजी के, उनकी जो मूर्ति है भाई साहब, आपको लगेगा कि बस साक्षात बालाजी महाराज हमारे सामने खड़े और माता रानी वहीं पे विराजमान है, तो आप दोनों के दर्शन मिलेंगे। और उनसे जो मूर्ति का आप देखेंगे ना तो भाई साहब एकदम चमक ऐसी कि आपका दिल बस खुश हो जाएगा, मन जो लगेगा ना कितना मेहनत किया है वो सभी पूरा हो जाएगा। और आप सभी जैसे ही अब बाहर निकलेंगे दर्शन करके, उस लाइन से जब आप बाहर निकलेंगे तो आप सभी को देखिए ऐसा पर्ची दिया होगा शुरू में ही, तो इस पर्ची को भाई संभाल कर रखना, खोना नहीं है, क्योंकि इस पे एक फ्री लड्डू प्रसाद मिलता है और आप सभी को बहुत सारा लड्डू भी खरीदना है तो वो भी खरीद सकते हैं। चलिए आप सभी को लड्डू काउंटर की तरफ ले चलता हूँ। दोस्तों आ चुके हैं इस लड्डू काउंटर पे, यहाँ पे करीबन 500 लाइन है लड्डू का। आप जिधर देखेंगे उधर में लड्डू के ही काउंटर दिखेंगे, ऊपर हो गया नीचे हो गया, और ये सारे जिधर भी देख रहे हैं ना लाइन ही लाइन है, तो किसी भी लाइन में लगना और अपना टोकन दिखा कर लड्डू लेना है, तो हम भी इसी लाइन में लग के अपना लड्डू लेते हैं। अगर आप अलग से लड्डू लेना चाहते हैं तो जो एक लड्डू होता है वो 50 रुपये का आता है, तो आप जितने मर्जी उतना ले सकते हैं, जितने मर्जी क्या है, एक आदमी को शायद 5-6 लड्डू से ज़्यादा नहीं दिए जाते हैं। और दोस्तों देख सकते हो ये आ चुका है अपना लड्डू, और ये भारत का सबसे ज़्यादा प्रसाद के रूप में सेल होने वाला लड्डू है, इससे ज़्यादा कहीं भी लड्डू सेल नहीं होता। बाकी चलिए अब आप सभी को आरती दर्शन के लिए और यहाँ के प्रसाद के लिए ले चलते हैं। और दोस्तों यहाँ पे ऐसा कुंड भी बना हुआ है, आप यहाँ पे दर्शन करने से पहले नहा भी सकते हैं। देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पे नहा रहे हैं, बहुत ही ठंडा और फ्रेश पानी है इसका, ये देखिए। और यहाँ से फिर आगे आप अपने दर्शन की तरफ निकल सकते हैं। दोस्तों इसी मंदिर कैंपस में है अन्ना प्रसादम, जहाँ पे आप सभी को लंच डिनर और ब्रेकफास्ट में प्रसाद मिलता है, ये देखिए बहुत ही बड़ा सा बिल्डिंग है, इसी के अंदर प्रसाद मिलता है। और टाइमिंग की बात करते ये सुबह 8:30 बजे से चालू होता है, रात के 10 बजे तक इन्हें अलग अलग टाइमों पे चलते रहता है। चलिए अंदर में लाइन लग के चलते हैं प्रसाद चखने के लिए। आ चुके हैं इसे खूबसूरत से कह सकते हैं, जहाँ पे आप सभी को प्रसाद मिलता है, और देखिए कितना खूबसूरती से बनाया गया है, ये देखिए हर तरफ खूबसूरती खूबसूरती। चलिए यहाँ पे बहुत सारे हॉल है, उसी किसी में से एक हॉल में हमें घुसना है और वहीं पे अपना खाना वितरण होगा। देखिए ऐसा कुछ बड़ा सा हॉल है, सांभर तो देखिए प्रसाद में मिलता है यहाँ पे चावल, सांभर, चटनी, सब्जी और ये जो खीर है ना भाई, जिसमें बीट रूट बहुत सारे ड्राई के। चलिए प्रसाद ग्रहण करते हैं और मिलते हैं आगे की प्रोसेस के तरफ। और दोस्तों इसी कैंपस में नारियल भी चढ़ाया जाता है, आप सभी को वहाँ पे ले चलता हूँ। यहाँ से ये नारियल काउंटर है जो कि 20 रुपये में नारियल और कपूर मिलता है। चलिए नारियल कपूर लेके चलते हैं यहाँ पे चढ़ाने के लिए। और
दोस्तों कपूर चढ़ा के और नारियल फोड़ के अपना ये जो दर्शन का जो हमारा प्रक्रिया था वो पूरा हुआ। हमने सफलपूर्वक दर्शन कर लिया और आप सभी का भी आशा करता हूँ कि आप ऐसी सफलपूर्वक पूरा वीडियो देखे होंगे और दर्शन करने आएंगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी दर्शन कर लीजिए इस पहाड़ी में विराजमान मतलब खूबसूरती का, यार एक जो कहते हैं ना खूबसूरती का एहसास और धर्म का महसूस वो इसी जगह पे हो के आता है। बाकी चलिए आप सभी को थोड़ा बहुत मार्केट भी दिखा दे रहा हूँ, लेकिन वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा और लिखिए जाएगा जय तिरुपति बालाजी महाराज। को ऐसे बहुत सारे शॉप दिख जाएंगे जहाँ से फूल माला प्रसाद और भगवान की मूर्ति लेके जा सकते हैं। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको फुल्ली इन्फॉर्मेशन लगी होगी और ये वीडियो और ये दर्शन यहीं तक समाप्त होता है। लेकिन लास्ट में जब आते आते ये जो देख रहे हैं तिरुपति बालाजी की प्रतिमा बनी हुई है, यहाँ पे आके अपना एक प्यारा सा पूरे परिवार के साथ दोस्तों के साथ फोटो खिंचाना बिल्कुल ना भूले। चलिए बोलिए आप सभी तिरुपति बालाजी महाराज की जय और आपकी ज़िंदगी हमेशा तिरुपति बालाजी खुशी और स्वस्थ में रखे। जब तक के लिए जय बालाजी महाराज।